हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 31 मार्च और फिलहाल आप देख सकते हैं ये निफ्टी चल रहा है। निफ्टी का सिनारियो है, कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश में हूँ मैं। आइए ट्रेड लगाते हैं क्योंकि अब हो रहा है मामला। देखिए ट्रेड लगा दी है मैंने। हम इसमें कहाँ तक के टारगेट समझ रहे हैं? हम इसमें यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहले तो यहाँ तक के टारगेट समझ रहे हैं, उसके बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे, ये ट्रेंड को फॉलो करेगा नहीं करेगा वो हम देखेंगे। मगर फिलहाल हमने और निफ्टी के हिसाब से हम थोड़ा सा टारगेट देखेंगे। निफ्टी में हम यहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं जहाँ पे ये इसका हाईएस्ट है। ओके, निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं, मगर ये तय करेगा कि ये अपना ट्रेंड रखेगा या नहीं रखेगा। मगर हम एक बार सेफ टारगेट जरूर लेंगे, चाहे हमारे 300 रुपये बने 400 रुपये बने, मगर हम प्राइस सेक्शन पे ही खेलते हैं, हम पैसों पे नहीं खेलते। देखिए हमारे केवल 3431 दिखाई दे रहा है, जो हमने कहा था कॉल आई तो कॉल आई 1093। एक बार निफ्टी से कंफर्मेशन लेनी है मुझे, लेकिन निफ्टी में अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है निफ्टी में। ये देखिए यहाँ के टारगेट अभी नहीं मिले हैं निफ्टी में। ये ऊपर जो ब्राउन लाइन आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा मार्केट मुझे पता है इसमें लाइनें मेरे चार्ट में काफ़ी हैं आज, मगर जो ब्राउन लाइन है हो सकता है वहां तक छूने चला जाए। देखिए 1700 1800 ये होती है, ये सोशल स्ट्रैटेजी की ट्रेड है। इस तरह ट्रेड निकलती है कॉल में, पुट में, कॉल में इस तरह ट्रेड निकलती है। ये यहाँ तक ज़रूर आना चाहिए जहाँ पर मैं आपको टारगेट कह रही हूँ, यहाँ तक आना चाहिए इसे। ये एक्चुअली चार्ट कंजेस्टेड है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने बड़े टारगेट नहीं है कुछ है, मगर ऐसा नहीं है, ये काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो पोजीशन में 1600 दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी 1500 1600। देखिए इसने बिल्कुल टॉप निकाल दिया है मार्केट का, बिल्कुल टॉप निकाल दिया है। मतलब टॉप निकालने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ कि मार्केट ने नया टॉप बना दिया है, अब गिर सकता है। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि आज ट्रेंड का दिन है, ये कॉल का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर लो बना रहा है। तो हमने जब ये हमारा यहाँ पे ये बना, यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉल का ट्रेंड चल रहा है सही थे सही से। मतलब अब हम निफ्टी के हिसाब से अपने टारगेट बुक करेंगे, ये ग्रीन लाइन तक आ जाए। देखिए 723 चल रहा है हमारी पोजिशन में, ये ट्रेड इतने कंसॉलिडेशन में है। आप देखिए मार्केट कितने कंसॉलिडेशन में है, एक्चुअली मार्केट पुट में जाता हुआ लग रहा है, मगर बात क्या है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये अनयूजुअल है, इसलिए मैं रुक रही हूँ। जो निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो थोड़ा अनयूजुअल है, तो ये यहाँ पे बेस बनाएगा। हर तरीके से प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है कि हम एसएल कहाँ रखें, हर तरीके से प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है। अगर आपको लॉस भी हो रहा हो तो कम से कम आप इस तरीके से लॉस को काटे कि हाँ भाई यहाँ तक तो चला ही जाएगा, ये वाली बात होती है बस। अब अगर ये गिर गया ना, अब अगर ये गिर गया, अब अगर रेड कैंडल आ गई तो हम काट देंगे। अब हमारा प्राइस एक्शन फेल हो चुका हो जाएगा, मतलब बिल्कुल अब अगर रेड कैंडल आ गई तो हम निकल जाएंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग पहले ये हो रहा था कि एसएल मैं यहाँ से काट दूँ, मगर बैंक निफ्टी में इस तरह का प्राइस एक्शन आया जो मुझे ये कह रहा था कि नहीं, ये अनयूजुअल प्राइस एक्शन है, मार्केट सपोर्ट लेने के लिए या बायर को बिठाने के लिए आएगा एक बार, इसीलिए मैं बैठी हूँ, इसीलिए मैंने पोजीशन से कट नहीं किया। तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ता है मार्केट में। देखिए अब ये पलटना नहीं चाहिए, अब इसे डायरेक्ट जाना चाहिए। अब अगर ये पलटा तो इसे ये गलत है, ये अब इसे ऊपर ही जाना चाहिए लगातार, क्योंकि अब इंतहा हो गई है इसके प्राइस एक्शन की, जितना मैं समझती हूँ प्राइस एक्शन। अब इसे जाना चाहिए, अब इसे पलटना नहीं चाहिए। देखिए अब हम जो भी है वो बुक करके, अगर मार्केट में आपकी एंट्री गलत हो गई है या मार्केट अपोजिट चलने लगा है, तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ से आप मतलब कम से कम लॉस बुक कर सकें, या जहाँ जहाँ की एंट्री जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं यहाँ तक का सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा सा वहाँ तक का वो ले लीजिए लॉस बुक करने से अच्छा। तो ये प्राइस एक्शंस को देख के समझना पड़ता है। मैं निफ्टी से टारगेट बुक कर रही हूँ, देखिए मैं दोनों इंडेक्स का सहारा ले रही हूँ, निफ्टी से मैं टारगेट बुक कर रही हूँ, मगर बैंक निफ्टी से भी मैंने प्राइस एक्शन को समझा। तो हर तरीके से मार्केट को देखना पड़ता है, आप ये समझिए। देखिए ये हमारा एसएल है, जो पहले हमारा एसएल था यही हमारा एसएल है। फिर से देखिए रेड में कन्वर्ट होने को है, मुझे ऐसा लग रहा है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, बस यही हमारा एसएल है और यहीं पे मार्केट खेल करेगा। मगर अगर हमें चीज़ पता है तो हम कॉन्फिडेंटली थोड़ा बैठ सकते हैं। देखिए अगर इसे गिरना है तो ये यहाँ से जहाँ पे यहाँ ये जो जोन है यहाँ वाला,
यहाँ से फिर रिजेक्शन लेगा अगर इसे गिरना है, और अगर इसे उठना है तो ये बस उठ जाएगा, ये रिजेक्शन नहीं लेगा, बढ़ता चलेगा। अगर इसे गिरना है तो ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा। तो आप एक तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट कट सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसने रिजेक्शन लिया और अभी मुझे 550 का नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए अब मैं पोजीशन को काट रही हूँ, देखिए 550 का नुकसान है। मगर हमने किस तरीके से प्राइस एक्शन को झेला वो मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से झेला प्राइस एक्शन। ये देखिए अब इसे नीचे ही गिरना है। चलिए आइए दोबारा ही ट्रेड लगा देते। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। देखिए पुट की ट्रेड लगाइए दोबारा से। देखिए कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए इतने कंसोलिडेटेड मार्केट में तो यही तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे कैंडल गिर जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई बाइंग नहीं स्टार्ट हुई होगी। बाइंग थोड़ी बहुत इस कैंडल के ये जो है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट हुई होगी। मार्केट बिल्कुल एसएल पे खेल रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो अनयूजुअल मूव में आया इसने हमें बताया, और ये जब ये हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी बताती है कि अगर ये ऊपर की नहीं बनी तो ये नीचे की बनेगी। मगर यहाँ पे जब इसने असल में ये खेल स्टार्ट किया तो पता चला कि हाँ भाई अभी इसे पुट में ही जाना है। तो आपको थोड़ा सा ये पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जब ये यहाँ से ऊपर नहीं गया था ना, ऐसे यहाँ से ऊपर नहीं गया था तो मुझे लग गया था कि हाँ ये जाएगा, मगर बस थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए थी। देखिए मार्केट नीचे आ गया है जैसा मैं कह रही थी आपसे, और अभी 99 का नुकसान, हमारी नुकसान की भरपाई हुई है आज। देखिए यहाँ पे मार्केट को यहाँ तक तो गिरना चाहिए आई थिंक। देखिए मार्केट जितना प्राइस एक्शन करेगा ना उतना ही करेगा, आपने जितने लॉट लगाए हैं उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। ओके तो आप ये ना सोचें अरे यहाँ तक तो मेरे सिर्फ 200 रुपये बने हैं, यहाँ तक तो मेरे सिर्फ 300 रुपये बने हैं, ये ना सोचें आप। आपका प्राइस एक्शन पे मार्केट उतना ही देगा। देखिए नीचे आ गया मार्केट और अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा है, 31 रुपये बन रहे हैं अभी तक के प्राइस एक्शन में भी। मगर कोई बात नहीं है, हमारा लॉस रिकवर हो गया है, सबसे बड़ी बात ये। देखिए जो ये मौका है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है मगर मार्केट को सपोर्ट ज़रूर बनानी चाहिए, इसलिए ये ग्रीन लाइन मैंने एक सपोर्ट की बना रखी है कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट बनानी चाहिए। मगर मार्केट ने ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पे किया है कि वो ऊपर जा सकता है, इसमें लाल और हरी कैंडल की बात नहीं होती। देखिए सपोर्ट लाइन पे मार्केट ने उठाया अपना विक, मैं काटने को काट सकती हूँ, मैं अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, काटने को काट सकती हूँ। मगर और आप लोग यहाँ पे काट लें क्योंकि सपोर्ट है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना चाहती हूँ। देखिए एक डब्लू सा बना रहा है ये, तो डब्लू की नेक लाइन पे देखते क्या करता है। देखिए अगर ये अब ऊपर चला गया ना, अब अगर ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा, इसे अब नीचे आना। देखिए अब ये शायद नहीं जाएगी तो मैं निकाल रही हूँ, जो भी है ये आया है हमारा 129 का लॉस आया है। ओके हमने अपना लॉस काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख रही थी मैं और कुछ नहीं, 129 का लॉस है आप देख सकते हैं। अब इसे ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए हमें नहीं पता, बस इसने सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे खेल किया है। बात यह है इसने सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे खेल किया है, बड़ा डब्लू बनाया है, कम से कम इसे इस जोन तक के टारगेट देने चाहिए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन था, यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जहाँ पे कर्सर है मेरा यहाँ पे एसएल था, ये एसएल पे इसने खेल किया, हम एसएल पे रुके पूरा। ओके यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड ली थी क्योंकि हमारी यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट बन रही है, शॉर्ट शॉर्ट की वजह से हमने ट्रेड ली थी, और ज़रा सा हमारा एसएल मैक्सिमम एसएल हमारा यहाँ पे था, फिर हमने अपनी ट्रेड निकाली इस कैंडल पे, इस कैंडल ये सॉरी नहीं इस पे नहीं इस पे यहाँ पे इस कैंडल पे हमने ट्रेड निकाली। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चल गया था कि पुट में जाएगा तो हमारा गया, तो हमारा लॉस रिकवर हुआ जो भी था, अभी हम आधे लॉस पे। और अब देखिए बिल्कुल मार्केट वहीं जा रहा है या वहीं तक के टारगेट देना चाहिए जहाँ पे मैं कह रही हूँ। ओके इतने कंसोलिडेशन में भी आप किस तरीके से मार्केट को सोचें ये हमारी स्ट्रैटेजी बताती है। मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि रोज ही प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं है कि रोज ही लॉस होता है। देखिए फ्रेंड्स आज के प्राइस एक्शन में यहाँ पे हमको लॉस हुआ था, जैसा कि आप सबको पता है हमारा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो ऐसा होता ही रहता है, ये मार्केट है। और यहाँ पे हमने जो पुट लगाई थी पुट बिल्कुल सही रही,
मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है, आप अपना टारगेट बुक कर ले अगर आप उसमें हो तो। मगर मैं रुकी थी प्राइस एक्शन के लिए क्योंकि मुझे देखना था। कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। और फिर यहीं तक हुआ जो मैंने कहा था, मार्केट ने बिल्कुल यहीं तक के टारगेट दिए। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, इस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई और बिल्कुल यहाँ तक के टारगेट दिए। तो कंसोलिडेशन और हाई प्रीमियम भी बहुत है। मैंने अपने उस पे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिया था कि बहुत कंसोलिडेशन है और यहाँ पे सुबह को मूव आएगी। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह ही दे दिया था, चाहे आप देख सकते हैं। और लेवल्स भी दिए थे, हमारे गिवन लेवल से मार्केट जो है पूरे 127 पॉइंट ऊपर उठ गया। 127 पॉइंट, जिन्होंने ट्रेड लगाई होगी उन्होंने प्रॉफिट लिया होगा। यहीं से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड लगाई थी। मैं अभी आपको एंजल वन दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने कॉल की ट्रेड लगाई थी। ये आप देख सकते हैं मेरा एंजल वन। बाद में मेरा ये रहा यूट्यूब के लिए, ये चीज रही मेरी, ये जो ये आपने को ये दिखाई दे रहा है, ये रैली जो थी वो पकड़ी थी, ये शॉर्ट शॉर्ट से ही पकड़ी थी, ये चीज बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से ही पकड़ी थी। आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, जैसा कि मैं टारगेट बुक करते हुए देखती हूँ, बनाती हूँ, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आज का दिन रहा। तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। मगर आपको समझना चाहिए कि क्या, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए हमारे बिल्कुल टारगेट वो हुए थे, यहाँ पे मैं कर लेती। मगर बस थोड़ा सा यूट्यूब में थोड़ा सा ये रहता है ना, ये वाली बात रहती है कि अरे अभी बनाई क्या है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ी ये वाली फीलिंग भी आती है मन में। मगर अगर अपनी ट्रेड होती है तो ऑब्वियसली सही उस पर निकलना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके 50 रुपये बने या 5,000 रुपये बने। ओके, और फिर ये जो रैली है ये शॉर्ट शॉर्ट की वजह से ही ली है। ये मैंने अपने शॉर्ट शॉर्ट के प्रीमियम ग्रुप में भी बोला था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है, आप इसको अब ट्रेड लगा सकते हैं। देखिए ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है। 612 मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो कृपया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। जिन लोगों को ये शिकायत है कि मैं लॉस नहीं दिखाती, तो आज उन लोगों की शिकायत पूरी हो गई होगी कि मैं लॉस भी दिखाती हूँ, मगर मैं उस लॉस को रिकवर करके दिखाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।